सुबह के 11:15 बजे यार, रविवार के चलते आज शराब की दुकान को छोड़कर पूरा बाजार यहाँ बंद रहेगा। और अभी अब देख रहे लोगों की आवाजाही भी कम है रविवार के चलते, इस तरह पुलिस आयुक्त कक्ष में अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, हालांकि बाहर कोई कर्मचारी नहीं। और सामने एक ढाबे का शटर खुला है और नाई की दुकान खुली है, क्योंकि बार्बर अथवा सैलून संडे को खुले रहते हैं और इस तरह अन्य सभी दुकानें बंद है। तो आप देख सकते हैं अभी नाई की दुकान नई ग्राहक भी बैठे हैं और अन्य सभी दुकानें बंद है। इस तरफ पूरी दुकान खुली है, हालांकि ये काम चल रहे की बात कह रहे हैं। रविवार को हालांकि यहाँ साप्ताहिक अवकाश रहता है, मगर कुछ समय पहले दो दुकानदारों द्वारा फ़ोन करके कुछ अन्य दुकानदारों द्वारा दुकानें खुली रखे जाने संबंधी बात कही जा रही थी। हालांकि यहाँ प्रशासन अथवा पुलिस के अधिकारियों द्वारा पिछले 118 दिनों से संडे को बाजार बंद रहने संबंधी जांच संभवतः नहीं की गई है और यहाँ लॉकडाउन की अवहेलना को लेकर भी किसी दुकानदार के खिलाफ अब तक मामला नहीं हुआ है, जबकि उपमंडल संगड़ा के दूर दराज के गांव के आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ पुलिस द्वारा कर्फ्यू अथवा लॉकडाउन की अवहेलना के मामले दर्ज किए गए अथवा जुर्माना किया गया है उन्हें। तो इस तरह लोगों की आवाजाही जारी है अभी और बिना मास्क के बेकार शख्स दिखाई दे रहा है। एक बस अभी हरिपुर धार से पहुंची और सामने दवाई की दुकान के साथ एक ढाबा भी खुला है, से लोग अंदर बाहर जा रहे हैं, हालांकि संडे के चलते आज कंप्लीट बंद है। शराब की दुकान में आज ग्राहक कम दिख रहे हैं और इस दुकान की बात करें तो यहाँ पहले करीब 75 लाख की आमदनी अथवा टैक्स मिलता था सरकार को, मगर अब सब बैंड शुरू होने के बाद पिछले साल से 4-5 लाख मिल रहा है। इस तरह पुलिस अधिकारी के बाहर एक शख्स मौजूद है, अंदर होमगार्ड के एक दो जवान है। इस तरह शुरुआती दिनों में हालांकि लोग पुलिस और प्रशासन सतर्क दिखते थे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रति, मगर अब लोग लापरवाह दिख रहे हैं जैसे जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं जिला सिरमौर में। और एक बस यहाँ खड़ी है जो नाहन से पहुँची है, रेखा धार जाएगी बस। अभी रविवार के चलते लोगों की आवाजाही कम है। बाद दोपहर 2 बजे का वक्त है और इस तरह यहाँ एक बस पहुँची है अभी जो गतधार जाएगी और आज रविवार के चलते बाजार बंद है पहुँची है। इस तरह आज हालांकि निजी बसें चल रही है, मगर सरकारी बसें बंद है, कुछ लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह सामने एक सरकारी बस खड़ी है जो आज रविवार के चलते बंद है, बिना मास्क के भी दो लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो इस तरह दवाई की दुकान में भी कुछ लोग बैठे हैं। कुछ लोग लुधियाना वदादाहू से जेबीटी परीक्षा देकर लौटे हैं और इस बार जमा दो विद्यालय संगड़ा के संबंधित कर्मचारियों द्वारा रिक्वायरमेंट अथवा सीटिंग कैपेसिटी बोर्ड को ना भेजी जाने के चलते संगड़ा में जेबीटी प्रवेश परीक्षा नहीं हुई। तो इस तरह ये अभ्यर्थी संभवतः परीक्षा दे के लौटे हैं और बिना मास्क के भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। रविवार को यहाँ संपूर्ण बंद होने के बावजूद हिमालयन लाइमस्टोन माइन से ट्रक के पत्थर निकल रहे हैं और एक ढाबा अभी तक खुला है। 3 बज चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं और इस तरह शराब की दुकान के बाहर अभी एक गाड़ी मौजूद है, जबकि आसपास की अन्य सभी दुकानें बंद हैं। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है? बस 10 मिनट। ठीक। इस तरह बस अड्डा बाजार संगड़ा में सामने दिखने वाली सभी दुकानें बंद हो चुकी है, हालांकि उधर एक लाइट जली हुई एक दुकान की। और
इस तरफ को भी दुकानें बंद हो चुकी है और ढाबे के बाहर कुछ लोग मौजूद है और पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात है अभी।